हमने अभी तक बात की कि किस तरह से कीवर्ड सर्च कर सकते हैं किस तरह से वीडियो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ए के अंदर और कैसे आप वीडियो एस को अपनी मेन uh, एस में एज अ टेक्निक यूज़ करके अपनी एस बढ़ा सकते हैं अब ये देखने की ज़रूरत है कि किस कौन से मेन फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे वीडियो uh, एस काम करती है या वो कौन से फैक्टर हैं जो यूट्यूब देखता है कैसे वीडियो को रैंक करना है कैसे वीडियो को रैंक नहीं करना वो कुछ फैक्टर्स मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ आपको मैं बताऊँगा अभी जिसमें अगेन अगर जैसे कि हमने पहले एस सी ओ पढ़ी थी एस सी ओ में गूगल ये कहता है कि आप अपने यूज़र्स के लिए कॉन्टेंट क्रिएट करें यूट्यूब भी आलमोस्ट वही पैरामीडर यूज़ करता है क्योंकि अगेन सारे सर्च इंजन का अल्टीमेट गोल यही होता है कि वो सर्च इंजन सक्सेसफुल रहें सक्सेसफुल रहने के लिए उनको अपने यूज़र्स को वैल्यू देनी है और यूज़र्स को वैल्यू तब दे सकेंगे जब उनके पास कॉन्टेंट अच्छा होगा अगर वो लोग आएँ उस सर्च इजन पर कुछ सर्च करें और उनको पैथेटिक वीडियोज़ ऊपर रैंक करना शुरू कर दें वो 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 वीडियो को बुरा नहीं कहेंगे वो यूट्यूब को बुरा कहेंगे वो प्लेटफॉर्म छोड़ के चले जाएंगे तो ये चीज़ें हर प्लेटफॉर्म की एक स्ट्रगल होती है कि वो क्वालिटी कॉन्शियस होता है कि भाई किसी तरह से मैं अपने यूज़र को रिटेन करूँ उसको बेस्ट एक्सपीरियंस दूँ बेस्ट वीडियो दूँ बेस्ट कॉन्टेंट दूँ तो ये असल में वो एक्सपेक्टेशन आपसे लगी हुई होती है क्योंकि ये जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है कि आप उस प्लेटफॉर्म को हेल्प करें ताकि वो अपने यूज़र को हेल्प करें अल्टीमेटली आप अपना कंटेंट प्रमोट कर रहे होंगे लेकिन जहाँ पर आपने अगर 10 वीडियो लो क्वालिटी की डालनी है वहाँ पर एक वीडियो अच्छी क्वालिटी की डाल लें तो वो 10 वीडियो से ज़्यादा व्यूज़ ले जाएगी वो मिलियंस में अगर चली गई और आपकी दस वीडियो अगर मतलब थाउजेंड में भी ना गई तो इम्पैक्ट आप देख लेंगे कि एक वीडियो अच्छी हो वो बेहतर है जैसे कि आप दस वीडियो लॉन्च करें सो so, कुछ फैक्टर्स मैं आपको बता देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले कंपेलिंग कंटेंट मतलब कि आपका कंटेंट इस कदर बेहतर हो कि वो खुद ब खुद मार्केट करे अपने आप को मतलब कंटेंट इज़ किंग ये हमने शुरू से पढ़ा है वीडियो में भी सेम यही चीज़ है अगर आपका कॉन्टेंट अच्छा है आप उसको ऑप्टिमाइज़ जितना भी करेंगे अगर कॉन्टेंट अच्छा नहीं होगा तो वो आपका रैंक नहीं करेगा रैंक नहीं करने से मुराद ये है कि बेसिकली अल्टीमेटली लोग उसको डाउन वोट करेंगे या वो प्लेटफॉर्म छोड़ के जाएंगे कॉन्टेंट अच्छा है ऑप्टिमाइजेशन अगर बहुत सुपर अच्छी आपने नहीं भी की तो फिर भी वो यूट्यूब या बाकी चैनल्स जो हैं जहाँ जहाँ पर वीडियो आप लॉन्च करेंगे वो ऊपर रैंक करने की कोशिश करेंगे क्योंकि लोग उस पर एंगेजमेंट कर रहे होंगे उसको देख रहे होंगे उसकी सेशन लेंथ लंबी होगी उसका टाइम लंबा होगा तो कंटेंट इज़ किंग एवरीवेयर ये चीज़ अपने पल्ले बांध लें कि आपने कॉन्टेंट अच्छा देना है तो आपकी वीडियो में या दूसरी वेबसाइट में एस की सर्वाइवल है क्योंकि बग़ैर कॉन्टेंट के एस की सर्वाइवल बिल्कुल नहीं है उसके बाद टाइटल इसमें जैसे हम पेज का टाइटल लिखते हैं वीडियो में कैची टाइटल होना ज़रूरी है क्योंकि वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट रखती है उसमें आपको थोड़ा सा लोगों को कैच करना पड़ता है उसमें थोड़ा सा मसाला लगाना पड़ता है तो आप कोशिश करें कि सिर्फ कीवर्ड फोकस ना रहें आप थोड़ा सा वो पंच लाइन देखें कि आप पंच लाइन है जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट होंगे और उस वीडियो पर क्लिक करेंगे उसको देखने के लिए क्योंकि अगर वो लोग देखेंगे नहीं तो आपको रैंक नहीं करेंगे वो रुकेंगे नहीं जब आपने फर्स्ट टाइम उसको प्ले का बटन दबवा लिया जो कि एक बड़ा मेन टास्क होगा आपका उसके बाद कंटेंट पे बात आएगी कि कंटेंट अच्छा था तो वो देखता रहेगा अगर अच्छा नहीं था तो वो उसको छोड़कर चला जाएगा लेकिन कंटेंट दिखाने के लिए उसको पहला प्ले का बटन दबवाने के लिए आपको अच्छा इमेज और अच्छे टाइटल चाहिए सो आ, इसके अलावा अब एक डिस्क्रिप्शन का जो होता है ऑप्शन कि आपके आ, जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन आती है जिस तरह से पेज के ऊपर मेटा डिस्क्रिप्शन होती है वीडियो के ऊपर जो नीचे डिस्क्रिप्शन आती है जो उसको लोग पढ़ के डिटेल्स देखते हैं वो भी आ, अच्छी होनी ज़रूरी है कॉन्टेंट वहाँ पर भी देखा जाता है वहाँ पर भी कीवर्ड रिच कॉन्टेंट आप डाल सकते हैं कोशिश करें जो आपने टैग्स टाइटल में डालें वही टैग जो आपने वीडियो में डालें वो आप डिस्क्रिप्शन में भी डालें और कोशिश करें कि कम अज़ कम दो वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन हो क्योंकि 200 से कम पे वो थिन कंटेंट लगता है और YouTube उसको बेसिकली प्रेफर नहीं करता इसके बाद YouTube टैक्स की मैंने बात की जैसे पहले कि आपने टैक्स डालने हैं वो मैंने आपको ट्यूबर्डी का प्लगइन बताया तो टैक्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है YouTube के ऊपर जब आप वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको टैक्स की ऑप्शन देगा कि आपने किस की वर्ड की अगेंस्ट ये जो वीडियो है उससे रिलेटेड कौन से वर्ड्स हैं कोशिश करें कि जो उससे रिलेटेड वर्ड्स हैं वही डालें बिला वजह सारे टैक्स मत डालें उससे प्रॉब्लम ये होगी कि आपको वो इ सी आ जाएगी जो रेलिवेंट की सिर्फ वही डालें अगर आप एक पर्टिकुलर रेसिपी कर रहे हैं तो उस रेसिपी से रिलेटेड आपको जो गूगल से ड्रॉप डाउन में मैंने आपको ऑटो सजेस्ट की ऑप्शन जो बताई थी उससे आप देखें लोग एक्चुअली उस रेसिपी को ढूंढने के लिए क्या क्या सर्च कर रहे हैं कोशिश करें वो रेसिपीज को वो उस की को टैग्स में भी यूज़ करें टाइटल में भी यूज़ करें डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ करें ताकि गूगल को पता चले कि जब दोबारा कोई वो लिखे उसको वो आप उसके अगेंस्ट मिल जाएँ उसको फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है जो लोग मिस करते हैं वो ये कि जो आप जिन कीवर्ड्स के ऊपर आपने ऑप्टिमाइज़ करना है उन कीवर्ड्स को बोलें भी अपनी वीडियो के अंदर जब आप उसको बोलेंगे वो जब लफ्ज़ अदा करेंगे तो अगर आपने अगर ऑप्शन देखी हो तो यूट्यूब में ऑटो ट्रांसक्राइब की ऑप्शन होती है कि अगर आप उसको ऑन कर दें वीडियो अगर इंग्लिश में है तो यूट्यूब ऑटो ट्रांस की जो है कैप्शन वो जनरेट करता है और आपको नीचे सब टाइटल जो है सब टाइटल दिखाता है वीडियोज़ के अगर आप सब टाइटल ख़ुद देंगे जो कि नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रांसक्रिप्ट अगर आप उसको अपलोड करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी बात है कि आप यूट्यूब को हेल्प कर रहे हैं कि भाई जो मैंने बोला है वो मैं लिख के भी आपको दे रहा हूँ ताकि जैसे आप जैसे आप बोलें जिस तरह से मूवीज़ में होता है जब तो आप मूवी देखते नीचे एक आ, सब टाइटल चल रहे होते हैं अक्सर यूट्यूब वीडियोज़ में आप देखेंगे कि जब कोई बोल रहा होता है नीचे सब टाइटल भी चल रहे होते हैं वो सब टाइटल अगर यूज़र ने खुद डाले हैं तो अच्छी बात है क्योंकि वो कंट्रोल कर सकता है कि किस वक्त क्या दिखाना है लेकिन यूट्यूब ने ऑटो ट्रांसक्राइब या ऑटो सब टाइटल की ऑप्शन भी दे दी कि अगर सब टाइटल मौजूद नहीं है और आपको लग रहा है कि वीडियो वो बहुत फास्ट चल रही है और आप नहीं कैच कर पा रहे हैं तो आप ऑटो ट्र, ट्र, ट्रांस ट्रांसक्राइब की ऑप्शन ऑन कर सकते हैं सेटिंग्स में जाकर वहाँ से फिर ये होगा कि जो भी बोल रहा होगा गूगल का इंजन यानी कि यूट्यूब का इंजन बेसिकली उसको ट्रांसक्राइब करने की कोशिश करेगा और आपको याद होना चाहिए कि गूगल के पास गूगल ट्रांसलेट के नाम से एक पूरी प्रोडक्ट है जिसके वो हर लैंग्वेज से हर लैंग्वेज में ऑलमोस्ट वो हर चीज़ ट्रांसलेट कर लेता है तो यूट्यूब में वही टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो वीडियो को सुनते हैं ऑडियो जो भी चल रही होती है यूट्यूब उसको रन टाइम पर ट्रांसलेट कर रहा होता है ताकि आपको वो नज़र आ जाए वो परफेक्ट नहीं है लेकिन अगर अच्छी इंग्लिश बोली है क्लियर एक्सेंट है तो करीब नाइन्टी परसेंट ऑफ द टाइम्स लोग मानते हैं कि वो ट्रांसक्रिप्शन सॉलिड यानी कि प्रॉपर ठीक होती है टेन परसेंट टाइम्स यानी कि वो गलतियाँ हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन के एक्सेंट कैसा था वो क्लैरिटी कितनी थी सो so, अगर आपने अपनी सर्टन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहे हैं तो आप वो कीवर्ड बोलेंगे भी यूट्यूब के अंदर वीडियो के अंदर ताकि जब ऑटो ट्रांसक्राइब की ऑप्शन हो या जब कोई सर्च करे तो यूट्यूब का इंजन ऑटोमेटिकली बताए कि ये जो ढूंढ रहे हैं असल में ये इस वीडियो के अंदर मौजूद है क्योंकि वो आपने बोला भी होगा वो आपने टाइटल में भी लिखा होगा डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होगा टैग में भी डाला होगा तो ये काफ़ी चीजें हैं जिनके ऊपर यूट्यूब कैसे और रिलाई करती है इसके अलावा भी बहुत सारे आपको फैक्टर्स मिल जाएंगे आप इसको रिसर्च करें मजीद पढ़ें ताकि आपको ये समझ आए कि वीडियो के ऊपर एस करके कैसे नंबर वन पर रैंक करना है